बढ़ रहे हैं और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, और गिरिराज मलिंगा को जमानत को लेकर के बड़ी जानकारी है। आपको बताएं कि बाड़ी से विधायक हैं गिरिराज मलिंगा, जिनको जमानत मिली है और जेईएन से मारपीट मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था गिरिराज मलिंगा को, लेकिन ऐसे में अभी कोविड के चलते विधायक क्वारंटीन है। वहीं दूसरी तरफ मलिंगा को कोर्ट से जमानत भी मिली है और फिलहाल राहत मिलती हुई गिरिराज मलिंगा को नजर आ रही है। बाड़ी से विधायक हैं गिरिराज मलिंगा, जेईएन के साथ मारपीट का ये मामला सामने आया था जिसमें गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन फिलहाल जमानत उनको मिल चुकी है। तो बाड़ी से विधायक हैं गिरिराज मलिंगा, जेईएन से मारपीट का मामला जिसकी वजह से सुर्खियों में आए और उसके बाद से ही गिरफ्तार उनको कर लिया गया था। हालांकि अभी कोविड के चलते विधायक जो हैं वो क्वारंटीन हैं, लेकिन मलिंगा को कोर्ट से जमानत भी मिली है, अर्जी की गई थी और उस पर विचार करने के बाद जमानत गिरिराज मलिंगा को मिल चुकी है। लेकिन ये एक तरीके से बड़ी राहत के तौर पर गिरिराज मलिंगा के लिए माना जा रहा है। और बाड़ी से विधायक है गिरिराज मलिंगा, दरअसल सुर्खियों में उस वक्त आए जब जेईएन के साथ मारपीट करते हैं, जेईएन से मारपीट मामले में पुलिस ने गिरिराज मलिंगा को गिरफ्तार किया था, लेकिन फिलहाल अभी कोविड के चलते विधायक क्वारंटीन है। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट से फिलहाल गिरिराज मलिंगा को जमानत मिल चुकी है, एक बड़ी राहत गिरिराज मलिंगा के लिए। बाड़ी से विधायक गिरिराज मलिंगा जो कि फिलहाल उनके लिए ये राहत भरी खबर जरूर है, उनको जमानत कोर्ट के द्वारा मिल चुकी है। तो जेईएन के साथ मारपीट का ये मामला सामने आया था जिसको लेकर के सवाल कई उठे थे। सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर विधायक कैसे जेईएन के साथ मारपीट कर सकते हैं, और मारपीट को लेकर के लगातार जब जानकारी मिली थी तो उसको लेकर के सवाल भी उठे थे। लेकिन मलिंगा को कोर्ट से जमानत मिली है और इसी को लेकर के ये बड़ी जानकारी। बाड़ी से विधायक हैं गिरिराज मलिंगा, जिनको जमानत मिली है। वहीं साथ ही साथ गिरिराज मलिंगा जो कि जेईएन मारपीट मामले को लेकर के सुर्खियों में आए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फिलहाल कोर्ट से गिरिराज मलिंगा को राहत मिलती हुई नजर आ रही है।